नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनीता ठाकुर आपका आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है कि इस चैनल पे HPG के हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर की तैयारी करवाई जा रही है। वही सब्जेक्ट हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे LT कमीशन और पीजीटी हिंदी में काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं HPGK का जो हमने अभी लास्ट वीडियो में ग्लेशियर की पूरी थ्योरी पढ़ी हमने विथ मैप, पूरा ग्लेशियर स्टडी किया, उसी के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है ग्लेशियर के, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियार हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है दोस्तों, लाहौल स्पीति में। भड्डल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, भड्डल कहां पर है? ये कांगड़ा बड़ा भंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शासिन और थांगा गोपा हिमनद किस नदी को जल प्रदान करते हैं? किस नदी को करते हैं दोस्तों? ये चंद्रा नदी को। हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में शिगड़ी का क्या अर्थ है? ये भी हमने किया था जब हमने ग्लेशियर की थ्योरी की, तो ग्लेशियर को क्या कहते हैं दोस्तों? हिमनद। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है? ये सारा हमने डिटेल में किया है, तो कहां पर है दोस्तों? ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो भी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ही है। कांगड़ा जिले में हिमनद कितनी ऊंचाई तक उतर आए हैं? तो कितनी ऊंचाई तक उतर आए हैं? 950 मीटर। शिगड़ी ग्लेशियर की खोज किसने और कब की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे इसको जरूर रीड कर लें। 1906 में वॉकर और E.H. पास्को ने। दुधौन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। अब कहां से ट्रिक के अनुसार कहां से अनुमान लगाना था आपने कि कुल्लू की जो मुख्य नदियां हैं हमारी, उनमें से एक कौन है? दुधौन। तो दुधौन ग्लेशियर भी कहां है? कुल्लू में। कौन सा ग्लेशियर ग्लेशियर जो है, तो इनमें से बताना है हमने, पाचा, दुधौन, शीलीर, कुल्टी, लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दुधौन है, क्योंकि जो ये दुधौन है ये कहां पर है हमारा? कुल्लू में है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाचा और कुल्टी ग्लेशियर स्थित है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, पाचा और कुल्टी, इधर से ही हमें पता चल गया कि ये कहां पर है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो किसमें है दोस्तों? ये कांगड़ा, कहां? बड़ा भंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है? ठीक है, देखो दोस्तों, ये मैंने कहा था क्वेश्चंस कि इनके लाहौल स्पीति में हमेशा चंद्रा घाटी और भागा घाटी में कौन सा ग्लेशियर है कौन सा नहीं, ये भी पूछा जाता है। तो पाचा, कुल्टी और शिफ्टिंग, तो ये तीनों के तीनों जो है ग्लेशियर, ये कहां पर है हमारे? चंद्रा घाटी में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? ये भी हमने किया था जब हमने थ्योरी की थी, तो कौन सा है दोस्तों? बड़ा शिगड़ी है। और इसकी कितनी है लंबाई, कितनी की थी हमने? 25 किलोमीटर, और इसकी विड्थ थी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद लाहौल की चंद्रा घाटी में है? ठीक है, तो कौन सा है? देखेंगे, बड़ा शिगड़ी है, भड्डल है, मुल्किला है और दुधौन है। तो पूछा क्या था हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद लाहौल की चंद्रा घाटी में है? तो कौन सा है दोस्तों? बड़ा शिगड़ी। ठीक है, अब चंद्रा घाटी में है, तो चंद्रा घाटी का जो हमारा ट्रिक था उसके अनुसार क्या है? बड़ा शिगड़ी। ठीक है, चंद्रा घाटी की गुफा में 5 बड़े छोटे नाग देखकर चंद्र भाई ने कल्टी मारी। तो बड़े बड़े छोटे नाग से बड़े से क्या आ गया हमारा? बड़ा शिगड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है? तो इसमें क्या है हमारा? पाचा है, पाचा भी नहीं है, कुल्टी भी नहीं है, ये दोनों चंद्रा घाटी में है, समुद्री भी चंद्रा घाटी में है, तो इनमें से कोई भी नहीं है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर से बनी झीलें कितनी है? 249 झीलें ऐसी है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर से बनी है, उनसे बर्फ पिघलने के कारण वो बनती है। 1962 से 2001 के बीच ग्लेशियर क्षेत्र में कितनी कमी आई है? कितनी कमी आई है दोस्तों? 1628 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लाहौल की चंद्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? लाहौल की चंद्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? तो कुल्टी आ गया, शीली आ गया, दुधौन आ गया, डिंगा। तो दुधौन जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुल्लू की जो मुख्य नदी है एक दुधौन, उसी से वो किस वह उसको कौन पानी देता है? दुधौन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुकिला ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? मुकिला ग्लेशियर
अगर अब आपने ग्लेशियर की वीडियो देखी होगी तो उसमें अब हमने बताना है कि भागा घाटी में कि कौन सा ग्लेशियर मुकिला ग्लेशियर किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो मुकिला को भागा घाटी में है, तो आपने कैसे अनुमान लगाया इसका, क्या था इसका हमारा ट्रिक क्या था, भागा घाटी की एक लेडी को मुक्केबाज चोरों की गैंग मिली। ठीक है, तो मुक्केबाज, तो मुक्केबाज से क्या आ गया था हमारा मुकिला, तो मुकिला ग्लेशियर कहाँ है वो हमारा भागा घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है, तो दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है जो लाहौल स्पीति में है और हिमाचल का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने 25 किलोमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 3 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये हमने कर लिया। और नेक्स्ट है समुन्द्र तल से मूल किला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कराया था, 6478 मीटर। बड़ा शिगड़ी क्या है, ये क्या है, पक्षी, नदी, पहाड़ी, चोटी, हिमनद, तो क्या है ये, बड़ा शिगड़ी हिमनद है हमारा। बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, जो बड़ा बंगाल ये देखना है आपने, ग्लेशियर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हमारा, कांगड़ा में, तो कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है, रावी नदी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रावी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस नदी को पानी प्राप्त होता है, किस नदी को पानी प्राप्त होता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से, तो वो होता है चिनाब को। ठीक है दोस्तों, क्या होता है चिनाब। दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, ये भी हमने किया था, वित्रिक कहाँ है ये, कुल्लू में। पार्वती नदी को पानी देने वाली मूल किया तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में है, तो ये कौन से जिले में है दोस्तों, लाहौल स्पीति के जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो जिसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन किए ग्लेशियर्स के, पहले से लास्ट वीडियो हमने थ्योरी कर ली थी, अब हमने वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो ग्लेशियर के किए। तो ये सारे हमारे 30 से 35 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अपना ग्लेशियर का टॉपिक अपना रेडी कर लेंगे तो एक बार इनको जरूर रीड कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।